हिमाचल प्रदेश के सभी डिपो में सस्ता राशन देने के लिए लगाई गई पॉस मशीनों को कोरोना के चलते हटाया जा रहा है। इनके स्थान पर आंखें स्कैन कर राशन आवंटित करने वाली मशीनें स्थापित हो रही हैं। ऐसी व्यवस्था करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य होगा। सरकार ने खाद्य नागरिक और उपभोक्ता मामले विभाग को जल्द योजना को सिरे चढ़ाने के निर्देश भी दे दिए हैं। वीरवार को विभाग की ओर से टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। वर्तमान में राशन डिपो में पॉस मशीनें लगाई गई हैं। इसमें उंगली लगाने के बाद राशन दिया जाता है। ये मशीनें उंगली को स्कैन नहीं कर पाती हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को राशन से कई बार वंचित रहना पड़ता है। इसके अलावा ये मशीनें आए दिन खराब रहती हैं। इनसे कोरोना के और ज्यादा फैलने की आशंका भी लगातार गहराती जा रही है। ऐसे में अब आंखें स्कैन कर राशन देने की योजना है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का मानना है कि ये मशीनें मोबाइल की तरह काम करेंगी। मशीन स्कैनिंग के लिए उपभोक्ताओं की आंखों के सामने उचित दूरी पर रखी जाएगी। इसके बाद इस मशीन की स्क्रीन पर परिवार के सभी सदस्यों के नाम और राशन का कोट आएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को राशन दिया जाएगा। आंखों की स्कैनिंग परिवार के 3 सदस्यों की होगी। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स। लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोकनीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।